सीजन 2024 अपने इख्तिताम पर पहुंच रहा है। पांडक और पांडी के लिए मिट्टी वगैरह उठाई जा रही है और यहाँ पर सारी सफाई की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे अब गाड़ी खड़ी हो जाएगी तो भाई जान बस सब चीज़ें उतारेंगे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी काशन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और भाईजान, आज था जुम्मा, तो भाई मैंने जल्दी जल्दी जुम्मे की नमाज पढ़ ली, क्योंकि जुम्मे की नमाज इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ ली क्योंकि भाई वही रूटीन चलती हुई आ रही थी कि भाई जब पांडा पांडी थे तो भाई सुबह में सोना और दोपहर में उठना, तो भाई जुम्मे की नमाज जब तक पांडा पांडी थे तो भाई मैंने लेट वाली मस्जिद के अंदर पढ़ी। तो भाई इस बार तो मैं उठने में बहुत ज्यादा देरी हो गई थी, तो भाई मैंने जल्दी से जुम्मे की नमाज पढ़ ली, आने के बाद जल्दी से नाश्ता कर लिया और अब जाके व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और बेल आइकन को दबा दो। तो चलो चल के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हो रही है पांडा के शेड की फाइनली खुलने की तैयारी और भाई मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग भी वीडियो के साथ बने रहिए। तो भाई यहाँ पे पांडा के शेड को हम लोग खोल रहे हैं क्योंकि जो है डंडे वगैरह जल्दी से उतार रहे हैं। ये देखो सारी रस्सी वगैरह खुल रही है भाई, ये सारे पांडा और पांडी का शेड जो है जो टोटल था वो अब इन डंडों को निकाल के हम लोग ऊपर रख देंगे, क्योंकि जो है अब तो बकराईद डे तो ख़त्म हो गई है, तो सबको याद ही होगी भाई जान, क्योंकि यहाँ पे पांडा और पांडी नहाते थे भाई। तो भाई मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने सोचा आपको जरा ये जगह भी दिखाते हुए चलूँ। तो भाई अब हम लोग शेड एरिया को जो है खोलने जा रहे हैं और भाई जब से बकराईद डे जा गए हैं इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि सूरज ऐसा लग रहा है कि आपकी पपियाँ ले लेके नहीं थक रहा है। और भाई इतनी ज़्यादा गर्मी, ऊपर से कुछ ना खाया जाए ना कुछ पिया जाए, बस गर्मी गर्मी गर्मी। तो भाई वो घर जो कि 25 डेज ऑलमोस्ट से आबाद था, वो फाइनली अब जाके वो घर खुल रहा है, मतलब कि पांडा और पांडी का घर यहाँ से खुल रहा है, जो कि कुछ टाइम पहले एक साल पहले पारस का घर हुआ करता था, जो कि एक साल पहले पारस का घर हुआ करता था वो इस साल पांडा पांडी का घर था। तो भाईजान ब्लॉक्स को ऐसे निकाल के कवर करना है कि भाई ये अगले साल भी काम आ जाए, इनको तोड़ मत देना, क्योंकि ये जो है ये सब कुछ हम लोग संभाल के रखते हैं ऊपर के, ताकि नेक्स्ट ईयर भी वैसे के वैसा ही जंगला बनता है। क्योंकि भाई फिर जो है जब आप सीज़न के अंदर लेने जाओ तो हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा ही हाई हो जाते हैं। तो भाई यहाँ पे हम लोग ये जितने भी डंडे वगैरह हैं, ये जो है क्या बोलते हैं, ये जो रस्सी वगैरह है, ये सब चीज़ें हम लोग संभाल के स्टोर करके एक जगह पर रख लेते हैं, ताकि भाई नेक्स्ट ईयर कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि हर चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। तो भाई इन सब चीज़ों को बांध के रख लेंगे हम एक ही जगह पे, ताकि फिर नेक्स्ट ईयर बांधने के लिए आसानी होगी, सब चीज़ें अवेलेबल होंगी। यहाँ पे तार वगैरह का भी सिस्टम जो कि हम लोगों के लिए यहाँ पे किया हुआ था उन सबको भी अब निकाल देंगे, ताकि जो है फिर इसको भी रख देंगे। फिर जो है सब चीज़ों के लिए भाईजान, आपके भाई के पास हर एक चीज़ रखी हुई होती है कि किसी भी चीज़ के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ता। साथ अभी तक खुल के नहीं दिया क्या? कितने डंडे रह गए? चलो जल्दी जल्दी खोलो। तो भाई हम सारे डंडों को यहाँ पे स्टोर कर देंगे और यहाँ पे बांध देंगे, ताकि जो है यहीं से जल्दी से। ये देखो ये शबाटर लेकर आ रहा है एक, लाओ भाई लाओ लाओ जल्दी से लाओ। तो भाई ये आ गया, भाई ये आ गया फाइनली, भाई ये आ गया। चलो भाई ये इसको यहाँ पे रख दिया। तो भाई ऐसे सारे के सारे हम लोग डंडों को यहीं पे रख देंगे और जो है इस तरीके से पांडा का शेड भी खुल जाएगा। हाँ भाई सन्नाटा हो गया, सारा शेड वेट खुल गया। मैंने सारी की सारी पैकिंग कर दी है, यहाँ बल्ब वगैरह वायर और जो है पांडी के मोरे वगैरह डाल दिए हैं और इधर मैंने सारे पांडा के मोरे डाल दिए हैं और सब चीज़ें दोनों को एक ही बोरे के अंदर शिफ्ट कर दिया है, ताकि जो है भाई अगली बार के लिए जो भी हमारे नसीब में नेक्स्ट ईयर जानवर होगा उसको पहनाने में आसानी रहेगी, ताकि जो है भाई ये भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि भाई जान काम आ जाते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा हमने पांडी को पारस का मोरा पहना दिया था और पांडी माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही थी। तो भाई हम हमेशा इस तरीके से मोरों को सबको सिक्योर करके रख लेते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर काम आ जाए। हम लोग जो है सीवे के ऊपर फुल राइड कर रहे हैं और आज पांडा वांडा का शेड वेट खोल के हम लोग आ गए सीवे पे। ये चेक करो भाई, चला लूँ? हाँ, यार ये जरा मोबाइल तो पकड़ो जरा हमारे। यार मैं जरा फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, मुझे मैंने ये अभी तक सीवे पे कुछ ऐसा एडवेंचर किया नहीं है, ये सिर्फ मैं वीडियो के चक्कर में ऐसा एडवेंचर कर रहा हूँ। जरा चलो चलाते हैं। तो भाई हमारे लिए तो चलाना बहुत मुश्किल हो गया था, तो मैंने भाई को बोला भाई तुम ही चला लो, क्योंकि मुझे इतनी वीआईपी हैवी बाइक के जो है ना
फंक्शन का पता नहीं चल रहा, तो भाई हम तो इंजॉय कर लेते हैं। हमें सफियान हम लोग तो एनवायरनमेंट इंजॉय कर लेते हैं जो यहाँ पे चल रहा है। ओए होए भाई माशाल्लाह क्या व्यू हो रहा है भाई, भाई इतनी जल्दी घुमा लिया यार, चक्कर यहीं तक होता है यार, ये क्या हमने तो इंजॉय भी नहीं किया। अच्छा भाई तो भाई चल चलो भाई चलो ठीक है ठीक है भाई, ये बड़ी खतरनाक है, तो ऐसा लग रहा है कोई कुंड मुंड मलिर के लिए हम ऊपर ऊंचाई के ऊपर चढ़ रहे हैं भाई जान। चलो भाई बस बस मजा आया चलो भाई हाथ धोना फिर हाथ धोऊं क्यों फिर गिर जाऊंगा। गिर जाओगे, डर लग रहा है इतना कितना डर है यार। सुफियान तो बहादुर बच्चा है, डर किस बात का है भैया। तो भाई हम लोग जो है हम लोगों ने सोचा कि भाई आज सीवीओ के पानी के पास भी जरा जाकर आए। हम लोग अक्सर आते हैं और पीछे पीछे से ही चले जाते हैं, आगे नहीं जा पाते। कैसा फील कर रहे हो भाई? अच्छा, इधर देख के बोलो, तेज बोलो। अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छे फील कर रहे हो? ओए ओए मैं तुम्हें जो है ना पानी में डुबा दूंगा। डुबा दूं पानी में? हाँ पानी में गिरा दूंगा तुम्हें, तुम्हारे सारे कपड़े गंदे करवा दूंगा। आ जाओ तुम घर, चलो। तो एक और लहर आ रही है अब तो सुफियान। नहीं नहीं सुफियान नहीं डूबेंगे आज। ओई और ये सुफियान के कपड़े गीले कर देगी। अबे भाई मैं तो जा रहा हूँ आगे, तुम्हें यहाँ ही छोड़ के जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, चले जाऊ? मैं जा रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? कहाँ पे कहाँ पे? चले चले। अबे भाई सुफियान को डर लग गया, देखो देखो बच्चा देखो कैसी कैसा डरपोक है, कैसा डरपोक है, लेके भाग रहा है मुझे, कह रहा है चलो 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 पानी आ रहा है। चले बस घूम लिया। ये बताओ कौन सी वाली लेनी है? ये वाली लेनी है। चलो भाई इसको ये वाली है निकाल के दो भाई जल्दी से। और मेरे लिए मुझे कौन से दिला रहे हो? हाँ मुझे कौन से दिला रहे हो? खुद ने अपनी खा ली और मेरी फिक्र नहीं है। चलो भाई मेरे लिए भी सिलेक्ट करते हैं। मैंने लेनी है यही वाली दे देता हूँ मैं भी। एक और दे दो यार ये वाली, एक और। कैसी लगी आइसक्रीम? कैसी है? थोड़ा तेज़ बोलो, मुझे लगता है अच्छी लगी नहीं है। मेरी वाली तो बहुत मज़े की है। आपकी वाली कैसी है? मेरी वाली भी बहुत मज़े की है। बहुत मज़े की। ओए ओए चश्मा भी बना हुआ है, बहुत मज़े आ रहे हैं भैया इसके तो। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।